स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश न्यूज में। कोचिंग संस्थानों को कोविड 19 के कारण 22 मार्च 2020 से जो बंद कर दिया गया है वह निरंतर कायम है, जबकि इससे सभी व्यवसाय मॉल रेस्टोरेंट यातायात के संसाधनों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आज हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो न सरकार को दिखती है और न ही प्रशासन को। स्थिति यह है कि संपूर्ण भारत के कोचिंग संचालकों, शिक्षक, हॉस्टल संचालकों, साथ साथ इनसे जुड़े कर्मचारियों का निवाला छीन गया है। छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। अभिभावक असमंजस की स्थिति में है। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि शिक्षकों के आत्महत्या की खबरें रोज प्रकाशित हो रही हैं। बढ़ते हुए मकान किराया और बिजली के बिल ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया। शिक्षण संस्था से जुड़े सभी लोगों की स्थिति कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई है। हमारे लिए ना कोई स्वयंसेवी संस्था चिंता करती है और ना सरकार, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। वहीं किराया और बिजली के बिल का भुगतान कैसे और कहां से करें सोचना भी दुभर हो गया है। सरकार से हमारी मांग है कि सभी व्यवसाय की तरह कोचिंग संस्था एवं हॉस्टल को भी सभी मानदंडों को अपनाने का निर्देश देते हुए खोलने का आदेश पारित करें, क्योंकि हमारे छात्र छात्राएं 10वीं पास होकर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिन्हें स्वयं रक्षा तथा सरकारी गाइडलाइन की संपूर्ण जानकारी है। हम सरकार को आश्वस्त करवाते हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए संस्थान का संचालन करेंगे। खाने के लिए सारे शिक्षक को रोड पर लाएंगे भीख मंगवाने के लिए, यही है उनका आत्मनिर्भर का अर्थ, यही आत्मनिर्भर का अर्थ होता है। हम लोग जब सुबह उठते हैं फोन कर हड्डी बनना शुरू हो जाता है, कहा भाई पैसा दो, अरे बाबूजी का जमीन बेच करके देंगे, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, 5 रुपया के दाना के लिए टीचर दूध के लिए ललायत है। क्या बस और टेम्पू पर कोरोना नहीं है? पार्लियामेंट में कोरोना नहीं है, विधानसभा में कोरोना नहीं है, डीएम हाउस में कोरोना नहीं है, सब्जी मंडी में कोरोना नहीं है, एक एजुकेशन लाइन में ही कोचिंग में कोरोना है, जिस कोचिंग से सारा बिहार चलता है, 70% पटना बिहार कोचिंग पर डिपेंड है। कोचिंग है तो हॉस्टल छात्रावास लॉज है या प्राइवेट दुकान है, मर रहा है आदमी, मर रहा है, आत्महत्या कर लिया पूरे बिहार में 13 आत्महत्या कर लिया, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया का आज तक रिबेट नहीं मिला है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा, बिना क्रांतिकारी का सुन ही नहीं सकता है। ये क्या हो रहा है, किसी को है कोई देखने वाला? सारे हम लोग मार्च से मीटिंग कर रहे हैं, मार्च से मीटिंग करते करते आज के डेट में यहाँ पर पहुंचे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ क्या होता है? है सोशल डिस्टेंसिंग पूरे इंडिया में कहीं भी? नेता के माने इलेक्शन शुरू हो गया, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आता है, शादी विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं आता है, एक कोचिंग संस्थान में ही सोशल डिस्टेंसिंग आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि शिक्षक संस्थान को बर्बाद कर देना, ये बहुत दूर की राजनीति है। हम बहुत छोटे तबके के आदमी हैं, उन तक पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन ये साफ साफ आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्या ऑनलाइन, राजस्थान में 60% बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हमारे विकास अविनाश सर के तो बच्चे 5000 रुपए पैसा नहीं था, वो आराम खराब हो गया है बच्चे का, कोई देखने वाला है? एक एक स्टूडेंट का तबियत खराब हो रहा है, वो मर रहा है। देहात में नेट का बढ़ा दीजिए, मोबाइल ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन बढ़ा दीजिए, ऑनलाइन 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 चिल्लाए हुए पूरे हिंदुस्तान है। देहात में लॉकडाउन कर रहे हैं, मर रहा है आदमी, एक तरफ आदमी मर रहा है, 20,000 का मोबाइल वगैरह खरीदेगा अपने बेटा को देने के लिए। कुछ कहते कुछ आदमी है इंडिया में 10% आदमी जिंदा रह सकते हैं, 40 आदमी भूखे मरेंगे और सरकार चाह रही है कि भूखे मरो, कोई तरह कोई ध्यान शिक्षक नहीं दिया जा रहा है। एक कोचिंग पर, एक कोचिंग से रिलेटेड लाखों लाख आदमी डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मरने के सिवाय क्या चारा है, कुछ है? 3 तारीख को कैंडल मार्च हो रहा है, पूरे बिहार में कैंडल मार्च हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कैंडल मार्च हो रहा है, उसके बाद भी कैंडल मार्च होगा। आखिर कुछ तो होना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए,